अजमेर जिला मुख्यालय के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हाथों में लाठी डंडे लेकर वीडियो बनाने वाले दो युवक गिरफ्तार। लाठी डंडे लहराने का वीडियो हुआ वायरल। वारदात की फिराक से घूम रहे थे बदमाश, दहशत फैला रहे थे। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में लाठी डंडे में लोहे के पाइप लेकर घूम रहे थे। की तलाश जारी है। सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना अधिकारी छोटे लाल ने दी जानकारी। आइए देखते हैं संवाददाता देवीलाल सोनी की रिपोर्ट। अन्य आरोपी की जो है सिविल लाइन थाना पुलिस तलाश कर रही है। आप देख सकते हो तस्वीरों के अंदर क्षेत्र में अटल उद्यान के पास साथ में और भी लड़के हैं। लोहा खान मुखो का बाड़ा और मुना भाई के टीनेजर्स हैं, 20-22 साल के लड़के। इनके आपस में 2-3 दिन पहले तूतू मैम हुई। उस तूतू मैम की बात को लेकर कल कोई 4-5 लड़के इकट्ठे होके आए और कोई आपस में लड़ाई झगड़े का था प्लान, पर किसी सज्जन व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाया और उनको धमकाया तो वो वापस भाग गए। वो वीडियो जब हमें पता चला तो सूचना और हमारा तंत्र से 3-4 लड़कों को तो हिंसा कार्रवाई में बंद किया है। 170 BNSS में अभी गिरफ्तार हैं वो, जिन्हें संबंधित न्यायालय में पेश करके नियमानुसार पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में आंखों का सर्वश्रेष्ठ गोयल आई हॉस्पिटल है, जिसमें आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोयल व उनकी टीम द्वारा दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। राजस्थान के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शानदार ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक उपकरणों से ऑपरेशन करने की सुविधा, जागरूक स्टाफ सहित बैठने की उचित व्यवस्था है। संपर्क करें 9435265574 9928838438। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।